What's up YouTube? I'm Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, आज का टॉपिक है रोल ऑफ हैंड स्पीड. अगर आपकी हैंड स्पीड अच्छी होगी तो आपको बैटिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा. मतलब हैंड स्पीड का मतलब है कि आप बॉल पे कितनी तेज अपना बैट को लेके जा रहे हो, कितनी तेज आप बॉल को खेल रहे हो. अगर आप बॉल को तेज हिट करोगे तो मतलब बॉल ज़्यादा तेज जाएगी बाउंड्री पे. अगर आपको सिक्स मारना है उसके लिए भी आपका हैंड स्पीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर आपको पुल शॉट खेलना है उसके लिए भी आपके हैंड स्पीड है वो तेज होनी चाहिए. क्योंकि पुल शॉट में क्या है, अगर आप ऐसे धीरे से खेलोगे तो चांसेस हैं, एक तो बॉल को आप ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करा पाओगे, बॉल पड़ के तेज आती है तो आपको वो हेड पे भी लग सकती है. तो उसके लिए आपके हैंड स्पीड तेज होनी चाहिए. मतलब आपका एकदम बॉल छूटते ही आपके जो हैंड है वो एकदम बॉल पर तेज़ी से आने चाहिए. अगर बॉल पड़ के तेज बाहर निकल रही है तो उसके लिए आपके कट भी तेज होने चाहिए. तो सारा रोल हैंड स्पीड का ही होता है. जितनी तेज आपके हैंड चलेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा. स्पिनर्स पे अगर आपको हिट करना है तो उसके लिए आपको कूद के छक्के मारने हैं तो उसके लिए भी हैंड स्पीड तेज होनी चाहिए. जितनी तेज आपका बैट का फ्लो होगा उतनी अच्छी बॉल ट्रैवल करेगी. तो सबसे पहली ड्रिल आपको इसमें क्या करनी है, आपको इसमें दो बैट का यूज़ करना है. आपको दो बैट ऐसे लेने हैं और आपको सिर्फ ऐसे घुमाने हैं. इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो जो बैट्स का वेट है वो आपको हल्का लगने लगेगा और दूसरा दो बैट जब आप उठाओगे तो भारी हो जाएंगे और आप जब आप इनको स्विंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी बैट स्विंग करने में, आपको लिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी. आप पुल की भी प्रैक्टिस कर सकते हो ऐसे, आप कट की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ऐसे प्रॉपर स्विंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हो. इससे फिर जब आप मैच में खेलोगे तो आपका जो एक बैट है वो आपको बहुत हल्का लगेगा, तो आपकी जो स्विंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी हैंड स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, दूसरी ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको एक रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ेगी. आप ऐसे उसे पोल पर लगा सकते हो और आपको यहाँ पर पूरा बैटिंग स्टांस लेना और यहाँ से आपको पूरा हाथ को स्ट्रेच करना है. इसमें क्या है, रेजिस्टेंस बैंड हार्ड होता है तो इसे खींचने में प्रॉब्लम होती है. देखो, मैं एक हाथ से अगर खींच रहा हूँ तो मैं इससे आगे नहीं जा पा रहा. पर जब आप दोनों हाथों से खींचोगे तो आपको अपनी पावर लगानी पड़ेगी. इससे क्या है, जब आप बैट से खेलोगे तो आपका जो बैट का स्विंग है, बैट की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी क्योंकि इसे खींचने में आपको पावर लग रही है, ये ज़्यादा टाइट है मतलब. पर बैट ऐसे नहीं होता तो इसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा. आप नीचे ड्राइव की भी कर सकते हो, आप ऐसे पुल की भी कर सकते हो, आप बाहर की तरफ भी इसको कर सकते हो, जैसे कट शॉट खेलते हैं तो आप इसकी कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सिंगल हैंड से करने की कोशिश कर सकते हो. पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दोनों हाथ से करो, चाहे आप ड्राइव की करो, चाहे आप कट की करो या आप पुल की करो. इससे आपको जब आप बैट से करोगे तो आपको बैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का लगेगा. तीसरी ड्रिल में आपको क्या करना है, आपको एक पार्टनर चाहिए, वो आपको बॉल ड्रॉप करेगा और आपको सिर्फ एक ही पोजिशन में खड़े होकर सिर्फ यहाँ से ड्राइव खेलना है. आपको सिर्फ हिट करना है जितनी तेज आप हिट कर सकते हो. इससे क्या है, एक तो आप बॉल को मिडल करना सीख जाओगे बॉल बिल्कुल, और आपका फोकस भी बॉल पे रहेगा, और तीसरा जो आपका हैंड स्पीड है वो बस ऐसे ही चलेगी. आप देख सकते हो मेरी हैंड स्पीड कितनी तेज चल रही है. इससे क्या है, आपकी हैंड स्पीड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने कितनी तेज, मतलब मेरा पार्टनर जो था मुझे कंटिन्यू बॉल फेंक रहा था और मैं सिर्फ बॉल को खेलने की कोशिश कर रहा था, अपना जो बैट का स्विंग है, जो स्पीड है उसे मैं सिर्फ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था कि बॉल पे कनेक्ट हो जाए. तो आप अगर ये तीनों ड्रिल करोगे तो जो आपकी बैट स्पीड की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी जब आप मैचेस खेलोगे. तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी.